पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से तप रहा है। हालात कुछ ऐसे कि दिन तो छोड़िए रात में भी राहत नहीं। हालांकि फिलहाल थोड़ी सी जो बूंदाबांदी उससे राहत जो मिली है, लेकिन ये राहत आंशिक है, स्थायी है या अस्थायी है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं मौसम विभाग और सीनियर साइंटिस्ट जो हैं सोमासेन रॉय जी हमारे साथ हैं। ये जो बारिश की फुहारें आई हैं, ये स्थायी राहत है या बस थोड़ी रहती है? देखिए, अभी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ थोड़ा बहुत बारिश का स्थिति था, वो पश्चिम विक्षोभ के कारण आई है। ये मॉनसून नहीं है, मतलब ये लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। तो पश्चिम विक्षोभ जब ही निकल जाएगा, हमारी उम्मीद है कि दोबारा टेम्परेचर्स बढ़ने की स्थिति आ जाएगी। ये हम बहुत दिन पहले से ही कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया में जो राहत मिली है वो दूसरे कारण से मिली है, जो बिहार झारखंड में हीट वेव का स्थिति खत्म हो चुका है ये सब इलाके में, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो सिंपली अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा था आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ, जो अभी भी आपका जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है, वो ईस्टवर्ड हट जाएगी। तो आपका दोबारा टेम्परेचर परसों से 22 तारीख से बढ़ने की संभावना दिख रही है। ये भी टेम्परेचर एक ही जैसे नहीं बढ़ेगा, मतलब क्योंकि आपका वेस्ट में जैसे बताया अभी भी वेस्टर्लीज डोमिनेंट है, क्लियर स्काइज रहने का संभावना आ रहा है। तो इससे आपका ये हम संभावना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईस्ट में जो आपका ईस्टर्लीज चल रहा है वो भी धीरे धीरे मानसून के एडवांस के साथ थोड़ा बहुत पेनिट्रेट करना शुरू करेगा, मगर लो प्रोबेबिलिटी के साथ हम हीट वेव का जो स्थिति है थोड़ा डेट वाइज दे जान लेते हैं। हाँ, आपका हीट वेव का स्थिति अभी थोड़ा ईस्ट वेस्ट मध्य वेस्ट उत्तर प्रदेश में रहने का संभावना है अगले 3 से 4 दिन तक, यानी कि 20, 21, 22, 23 तारीख तक, और दिल्ली में 23, 24 तक हमारे उम्मीद है कि थोड़ा हीट वेव का स्थिति आने की पॉसिबिलिटी है। बाकी सभी राज्यों से अभी टेम्परेचर बढ़ने पर भी हीट वेव का स्थिति तक नहीं पहुंचने का उम्मीद है, मगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगी। और आगे का हम अभी प्रेडिक्शन नहीं बताएंगे क्योंकि शायद हो सकता है कि मॉनसून का विंड्स और थोड़ा एडवांस कर जाए तो फिर दूसरा स्थिति पैदा हो जाएगी। ये जो आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बताया, इसमें जो किस किस इलाके को थोड़ी राहत भी जो मिलनी है, किस तरह की मिलेगी, किन किन राज्यों में, हम राजधानी में खड़े हैं तो कितना टेम्परेचर नीचे जा सकता है दिन का और रात का? जैसे बताया, आज हमारा उम्मीद है कि राजधानी दिल्ली का जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास रहेगा, वो 5 से 6 डिग्री ड्रॉप हो चुकी है। मिनिमम टेम्परेचर भी काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है, 29-30 के आसपास रहेगी, और ऐसा ही कल छोड़ के परसों से थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और ये बढ़ने से आपका दोबारा थोड़ा डिस्कम्फर्ट फैक्टर होगा, मगर हीट वेव शायद आएगा आपका 23 और 24 तारीख तक। परमानेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा वो तो मॉनसून से ही मिलेगा मैम, तो कब तक राजधानी को इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, इसके बारे में गेस वर्क नहीं चलना चाहिए क्योंकि जब हमें ऐसे पुराने आंकड़ों के आधार पे 27 जून होती है, मगर इस बार हमने कोई भी दिन का सही से बात नहीं किए हैं। अभी हम 3 से 4 दिन का बात करेंगे तो उसमें हमारा उम्मीद है कि मॉनसून एडवांस करके आपका उत्तर प्रदेश ईस्ट एकदम ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए आपका मध्य प्रदेश का भी ईस्टर्न पार्ट्स को कवर करके करेगा। अगले फेज में जैसे हमें दिखेगा कि मॉनसून एडवांस का स्थिति आ रहा है, हम ज़रूर आपको इत्तला करते रहेंगे। मैम, आपने जैसे खुद भी किसानों का भी जिक्र किया, आम लोगों का भी जिक्र किया, कोई ऐसा एडवाइजरी आप कुछ देना चाहें, कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, क्योंकि अभी का जो स्थिति है, आपको हीट वेव के ऊपर ध्यान, हीट वेव जैसे कम हो रहा है पूरा देश में ही, साथ ही साथ आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रहा है। ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, स्पेशली ये जो इलाका है, जैसे आपका मॉनसून एडवांस का लाइन के आसपास के इलाके में बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है। ये थंडरस्टॉर्म्स जैसे इस मैप में दिख रहा है, ये थंडरस्टॉर्म्स स्पेशली दोपहर के टाइम में बहुत भयानक हो जाती है। इनमें बिजली होने की संभावना बढ़ जाती है और ज़्यादातर समय इन्हीं थंडरस्टॉर्म्स में से डेथ्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वज्रपात का फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। और जो हमारा सालाना जो डेथ्स का आंकड़े होते हैं लाइटनिंग के कारण, इस समय बहुत बढ़ जाती है। तो हीट वेव हटने से ही हमारा खतरा खत्म नहीं हुआ,